अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो आपको टाइटल देखकर और थंबनेल देखकर अंदाज़ा हो गया होगा, मैं इतनी कोई कमाल की आपके लिए चीज़ें लेके आई हूँ जो कि आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इतने इसके 100% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो मेरी सब बहनें जिनकी स्किन की इतनी ज़्यादा ढेरों ढेर प्रॉब्लम्स हैं, परेशान होना छोड़ दें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे जो मैं आज आपके साथ एक तो क्लिंजर यूज करूंगी, ठीक है, और इतनी इजी चीजें यूज करूंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल आपके किचन में मौजूद होती हैं, गर्मियों में तो ये चीजें लाजमी आपके किचन में मौजूद होंगी। लेमन किसके घर नहीं आता, हल्दी किसके घर नहीं होती, एलोवेरा भी घर में मौजूद है, एग्स भी घर में मौजूद हैं, हर चीज़ घर में मौजूद होती है, लेकिन अंडे में आज नहीं यूज़ करी। जस्ट मैंने एक मिसाल दी है कि ये चीज़ें घर में होती ही हैं, कुछ भी आपको बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कसूरी हल्दी की बात करूँ तो वो एक ही बार आप पंसार से पिसवा लें तो आपके 6 मंथ आराम से गुजर जाएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने एक ही बार पिसवाई थी और अभी भी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि पिंच तो यूज़ होती है, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो ये अभी भी मेरी 6 मंथ से ज़्यादा चल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बातें किए बगैर मास्क मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, एक स्क्रब बनाना सिखाऊंगी और एक क्लिंजर, इंतहाई आसान और कुछ भी उसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे। सबसे पहले आपको कोई भी आप मास्क यूज कर रहे हैं, कोई भी स्क्रबिंग कर रहे हैं, तो स्किन को डीप क्लिंजिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी देखिए मैंने कुछ भी, कोई फिल्टर नहीं है आपके सामने, मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ, कुछ भी नहीं मैंने फेस पे लगाया, ये देख लें, जस्ट फेस वॉश किया हुआ है, कुछ भी ऐसा मेरे फेस पे लगा ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं जो अपने फेस के लिए यूज करूंगी ना, ये देखिए दूध है, अगर तो आपके पास रॉ मिल्क है तो वो तो बेस्ट है, ठीक है, तो आप रॉ मिल्क निकाला करें, ये मेरे पास रॉ मिल्क है, ठीक है, रॉ मिल्क कहते हैं कच्चे दूध को, ठीक है। उसमें मैं यूज़ करूंगी लेमन, अगर तो आपके आपको लेमन सूट करते हैं तो आप लेमन स्किप नहीं करेंगे। लेमन तो आपकी स्किन को इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है और आपकी स्किन पे एक जो डेड स्किन होती है ना उसको बिल्कुल रिमूव कर देता है, ठीक है। तो मैं इसमें हाफ लेमन जो है ना वो स्क्वीज कर दूंगी इस तरह से, ये देखें मैंने इसमें लेमन डाल दिया है, ये देखें हाफ लेमन डाला है मैंने, ये देखिए कॉटन पैड इस तरह से मिलते हैं जो मेकअप रिमूवर पे भी काम आते हैं, कॉटन भी सिंपल आप ले सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर अच्छे से डिप कर दिया, ये देखिए इसने सोक कर लिया अपने अंदर, और दूध जो है ना रॉ मिल्क, देखिए मैं आपको बताती हूँ लेमन डालने का ये फायदा हुआ है, ये आपको मैं क्लोज दिखाती हूँ, ये चेक करें इसने बिल्कुल ऑब्जॉर्ब कर लिया है। आप देखिए इसको यूज करने का कितना मजा आएगा, इसको थोड़ा सा मैंने ये देखिए इस तरह से कर लिया है, और ये अब चेक करें इसके साथ ना मैं अच्छे से अपनी स्किन को ना क्लीन कर लूंगी। ये है आपकी डीप क्लीनिंग, ठीक है, 2 मिनट के लिए आप अच्छे से इसको ऐसे क्लीन करेंगे। मैं कहती हूँ सबसे अच्छी क्लीनिंग इसके साथ होती है, ये सारी आपकी जितनी भी डस्ट है फेस पे आई उसको क्लीन कर देगा। क्या करेंगे आप, ये चेक करें कितनी शाइनी स्किन हो गई है, अच्छे से इसको करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप ले लेंगे और थोड़ा सा कर लेंगे। मैं अपनी स्किन को क्लियर करती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो जी ये चेक करें, अच्छे से लगा लिया और ये क्लीन भी हो गया है। तो ये आपकी स्किन की क्या हुई है, डीप क्लिंजिंग। ये देखिए मेरा फेस अभी से इतना निखर गया ना, ये आप चेक करें कितनी ड्राई स्किन हो गई है, ड्राई स्किन वो वाली नहीं हुई, मतलब क्लियर स्किन हो गई है, एक पूरी लेयर उतर गई है, ये देखें बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो जी हमारा सेकंड स्टेप है, जब हम फेस की क्लिंजिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हमें स्क्रबिंग की बहुत ज़रूरत होती है। हमारी फेस पे जितनी भी डेड स्किन, डल स्किन, ड्राई स्किन हुई होती है तो स्क्रब करने से वो सब प्रॉब्लम्स हमारी रिमूव हो जाती हैं, ठीक है, स्किन हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ ताकि आप इनको ऐसे स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगी शुगर, ठीक है, उसके बाद इसमें जाएगा दूध, अगर आपके पास रॉ मिल्क है तो बेस्ट है, बेसन, बेसन आपकी स्किन को इतना क्लियर बना देगा, ब्राइटन अप लुक देगा, लाइटन अप स्किन को करेगा, और आपकी स्किन पे जितना ऑयल आ जाता है ना, एक्स्ट्रा ऑयल, एक तो आपकी स्किन का एक नेचुरल ऑयल होता है ना, आपकी स्किन शाइनी करती है, वो उसको रिमूव नहीं करेगा, जो एक अजीब सा और शिमरी फेस पे लुक आता है ना, और वो आपके वो खत्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगी ग्लिसरीन, ग्लिसरीन के फायदे किसको नहीं पता, मेरी एक प्रॉपर इस पे वीडियो है, मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, माशाल्लाह से वो बहुत हाई गई है, लोगों ने बहुत पसंद की है, तो वो ग्लिसरीन पे मैंने वीडियो बनाई थी। तो ग्लिसरीन तो आपकी स्किन को इतना मॉइस्चराइज करती है, सॉफ्ट कर देती है, पिंपल्स को रिमूव कर देती है। उसमें जाएगा रोज वाटर, उसमें जाएगा इवियन का विटामिन ई का कैप्सूल जाएगा, ठीक है, और मैंने इसमें कस्तूरी हल्दी ऐड की है, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं, इसको हमने कैसे बनाना है, एक मैंने बॉल ले लिया, इसके अंदर मैंने शुगर ऐड करनी है, ये देखें 1 टेबल स्पून के करीब,
पिंच ऑफ टर्मरिक, दूध हम लास्ट पे डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी बेसन। बेसन आप उतना यूज करेंगे कि आपने अपने हैंड्स पे भी यूज करना है, ठीक है, आप उस हिसाब से यूज करेंगे। ग्लिसरीन की जाएगी हाफ टेबल स्पून ग्लिसरीन, रोज वाटर जाएगा 1 टेबलस्पून के करीब। इसके बाद आप यूज करेंगे इसमें दूध 1 टेबलस्पून के करीब। इसमें मिल्क ऐड करेंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स 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 कर लेंगे पहले, फिर मैं इसमें एक कैप्सूल ऐड करूंगी, एक हम इसमें कैप्सूल ऐड करेंगे, ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको हम अच्छे से अब करेंगे मिक्स। ये मास्क इतना कोई कमाल का है, आप यकीन करें जब आप फेस पे अप्लाई करेंगे ना, तो फिर आप मुझे खुद कमेंट्स करेंगे कि इसके कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। इसको अच्छे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुछ भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, ठीक है, और मैं इसको फेस पे अप्लाई करके आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको हम हल्के हल्के से हाथों से मसाज भी करेंगे। इसमें मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर रोज वाटर जिसको सूट नहीं करता, अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वाले इसमें दूध ऐड करेंगे, ठीक है, जस्ट रोज वाटर को स्किप कर देंगे। विटामिन ई वो लोग यूज करेंगे जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, जिनकी ऑयली स्किन है वो इसको स्किप करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया, अप्लाई करते हैं आपको दिखाते हैं। तो जी ये देखिए मैंने आपके सामने जो है ना वो बेसन का मास्क अपना रेडी किया था, अब मैं उसको अप्लाई करूंगी। अच्छे से लगाएंगे हम फेस पे, इसमें जरा भी फील नहीं हो रहा, मैंने चीनी डाली थी वो इतनी अच्छी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। मैं अप्लाई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, जो बच गया ना उसको मैं अपने हाथ पे आपको लगा कर दिखाती हूँ, और ऐसे आप लगा कर इसको अच्छे से स्क्रब करेंगे हाथों पे। तो ये देखिए मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ, कितनी क्लियर स्किन लग रही है ये देखो, हाथों पे भी मैंने अच्छे से इसको लगा लिया था, हाथ भी मेरे इतने नीट क्लीन हो गए हैं, और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं आपको मास्क बनाना सिखाऊंगी, जो कि लास्ट पे आपने लाजमी वो लगाना ही लगाना है। तो चले जी अब हम मास्क को रेडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक कटोरी लेंगे, कटोरी के अंदर हमने क्या करना है, मैं इसी के अंदर मिक्स करूंगी क्योंकि मैंने मेजरमेंट इसकी करके रखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया है इसमें राइस फ्लोर, ठीक है, इसके अंदर मैं डालूंगी एलोवेरा जेल, ये देखिए इतनी अमाउंट डालूंगी कि हमारी जेल फॉर्म में एक अच्छी सी पेस्ट बन जाए। उसके बाद थोड़ा सा मैं हनी इसमें ऐड करूंगी, ठीक है, 1/2 टेबल स्पून के करीब। थोड़ा सा इसमें मैं दूध ऐड कर रही हूं, अगर आप चाहें तो आप रॉ मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, इतना मिक्स करेंगे कि एक जेल फॉर्म में अच्छी सी पेस्ट हमारे पास बनकर आ जाए। राइस हमारी स्किन पे ब्राइटन अप लुक लेकर आता है, ग्लास स्किन फेस को बनाता है। राइस पाउडर हमारी स्किन के लिए इतना अच्छा है कि मैं इंशाल्लाह इस पर एक पूरी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और आपने बहुत मरतबा सुना होगा कि ये बालों के लिए भी बेस्ट 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 है। और दूध की बात करें तो मिल्क किसको नहीं पता कि दूध के कितने फ़ायदे हैं। हनी तो आपकी स्किन को इतना शाइन करेगा ना आपकी स्किन पे कि मैं आपको बताऊं कि आप हैरान हो जाएंगे कितने इसके अमेजिंग रिजल्ट्स होंगे। ये देखिए जेल फॉर्म में हमारे पास आ गई एलोवेरा जेल, हमारी स्किन को स्मूथ बनाती है, हमारी स्किन से जितने भी पिंपल्स हैं उनको रिमूव करती है। देखिए कितना अच्छा इसका पेस्ट बन गया है। ये मेरे पास मास्क बनकर अच्छे से रेडी हो गया है, ये देखिए इस तरह से ही आपने लगाना है ब्रश की हेल्प से। अप्लाई करूंगी इसके ऊपर अपने फेस पे, और 5 मिनट्स बस देंगे इसको, और अच्छे से इसको बस गीला करेंगे, आपने वेट करने के बगैर इसको बिल्कुल भी हार्श तरीके से नहीं रगड़ना। तो जी यहाँ पे देखिए मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, देखिए इतनी क्लियर मेरी स्किन हो गई है, इतनी मुझे नीट स्किन लग रही है। लास्ट पे आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लें, मेरी नजर में सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर जो है ना, यहाँ तो आप रोज वाटर की एक स्प्रे कर लेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है, इसको ड्राई होने दें, या फिर आप ये लगा सकते हैं एलोवेरा जेल, ठीक है। थोड़ी सी आप क्वांटिटी में एलोवेरा जेल लें और फुल फेस पे आप अप्लाई करके इसको छोड़ दें, तो ये बेस्ट मॉइस्चराइजर है, ये आपकी स्किन को इतना अच्छा सॉफ्ट रखेगा। और ये देखिए मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है,
ये आप चेक कर रहे हैं, इतनी ग्लो करी है और ये जो पफिनेस थी ना आंखों के नीचे वो भी मेरी सारी क्लियर हो गई है। देखिए माशाल्लाह से इतनी नीट क्लीन लग रही है, हाथ भी मेरे इतने क्लियर लग गए हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इसने जरूर ट्राई करना है, ये बेस्ट 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 है, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।